हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का विद स्वाति में। तो भाई इतनी गर्मी है और हम खाए आए हैं टेस्टी टेस्टी सी कुल्फ़ी खाने, ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाने। तो गाइज आप सोचो कहाँ आए होंगे हम, सोचिए हम आए हैं सबसे पुराने कुरेमल्स कुल्फ़ी वाले पे। जी हाँ, देखिए मेरे पीछे इनका बोर्ड है कुरेमल्स कुल्फ़ी वाले। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ, आप थोड़ी जगह भी खुली खुली लग रही है। गाइज मैं हूँ प्रशांत प्यार रोहिणी में, चांदनी चौक की कंजस्टेड गलियों से निकल के हम इनको लेके आए हैं आपके सामने दिखाने के लिए रोहिणी में। वही टेस्ट, वही स्वाद, वही डिलीशियस कुल्फियाँ और बाकी सब चीज़ें हम रोहिणी में आज हम आए हैं और हम यहाँ पे खाएंगे कुल्फ़ी और आपको भी बताएंगे इसके कुछ टेस्ट के बारे में कैसा लगा हमें। तो आइए मेरे साथ और हम भी चलते हैं अंदर। आइए मेरे साथ, आइए 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 मेरा, जल्दी आइए आइए। तो अब हम अंदर आ गए हैं, तो अभी तो हम अंदर आके सबसे पहले बात करेंगे। हेलो सर, क्या नाम है आपका? दीपांशु। तो बताइए हमें यहाँ के बारे में कुछ। हमने रिसेंटली अभी प्रशांत विहार में स्टार्ट किया है, 20 डेज हुए होंगे। इससे पहले हमारा एक बंगाली मार्केट में है, पहले स्टार्टिंग हमारा चावड़ी बाज़ार के अंदर था। अच्छा। 118 साल से वहाँ से परदादा जी हमारे करते थे, उनका नाम था कैसे तो करोड़ीमल, फिर उन्हें प्यार से लोग निक नेम रख दिया कुरेमल। अच्छा, उनके नाम से ही यहाँ का ब्रांड का जो आपका कुरेमल्स का नाम है। कूड़े कूड़े की कुल्फी, ऐसे कुरेमल की कुल्फी बोलते थे, हमने इसको फिर अपना ब्रांड नेम ही कर दिया कुरेमल। तो अब हमारे एक बंगाली मार्केट में एक हॉस कास के अंदर अब हमारा तीसरा स्टोर हमने बाहर खोला है प्रशांत विहार, और हमारे पास स्टफ़ कुल्फी है, मैंगो है, अनार है, ऑरेंज है स्टफ़ के अंदर, जो रियल फ्रूट्स के अंदर है, ठीक है, केसर पिस्ता, प्लेन क्रीम, अनार, जो खट्टी मीठे में फ्रूट बेस में जूट पैक्स। अच्छा, आपके पास मिल्क बेस्ड कुल्फीज भी हैं और आपके पास फ्रूट बेस्ड कुल्फी कुल्फीज और वीगन कुल्फी भी अवेलेबल है फ्रूट बेस्ड, जिसके अंदर नींबू मसाला डाल के हम लोग खिलाते हैं, और हमारे पे एक कुल्फी है जो स्टफ़ कुल्फी है। तो अभी जैसे आपने यहाँ पे शॉप खोली है, मुझे तो लग रहा है लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है कि चांदनी चौक की कंजस्टेड गलियों में जाके इतनी दूर जाके रोहिणी में आप बिल्कुल इतनी अच्छी लोकेशन पे है कि जो इजीली यहाँ पे लोग आ सके। तो कैसा, मतलब यहाँ पे कैसा है रिस्पांस? बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग इतना खुश हो रहे हैं ना कि आपने यहाँ पे आके खोल दिया, हमें बहुत अच्छा है, रोज़ वहाँ से दूर दूर नहीं जाना नहीं पड़ता, अंदर गलियों में जाना पड़ रहा है, फिर वहाँ से ये, मतलब बहुत लोग खुश हैं यहाँ पे खुलने से, क्योंकि इतनी पुरानी शॉप है आपकी तो लोग तो वैसे भी आपकी कुल्फीज़ बहुत प्रेफर करते हैं, खाना आपकी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बट ऑब्वियस चांदनी चौक से कोई आउटलेट निकल के इधर नॉर्थ दिल्ली में आ जाए तो लोग तो वैसे ही अपने आप में बहुत खुश हो जाएंगे, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ से निकल के यहाँ पर आए हैं। मैम बहुत लोग खुश है, कहते हैं कि रोज़ खाने को मिल रही है, वरना तो हमें हफ्ते में एक बार जाके स्पेशल खाना पड़ता है, तो रोज़ अवेलेबल हो रही है, पैकिंग मंगवाते हैं लोग, गिफ्ट करते हैं हमारी कुल्फियाँ। okay. तो अभी लोगों को अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो आपके पास पैकिंग के लिए भी है और फैसिलिटी, और मैंने यहाँ पे देखा अब कैटरिंग फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल है। तो यू आर ऑन जोमैटो स्विगी पे भी हैं आप अभी? ओके okay. तो आप इसके अलावा और सेल्फ डिलीवरीज भी आपके पास है? हाँ मैम, खुद की डिलीवरी भी करते हैं, कैटरिंग भी करते हैं, इंडिया से बाहर भी कैटरिंग करते हैं। अच्छा, इंडिया से बाहर भी करते हैं, तो बहुत। तो आज हम यहाँ पे क्या खाने वाले हैं, यहाँ का स्पेशल? मैं आपको अभी स्टफ कुल्फी खिलाता हूँ, मिल्क बेस भी खिलाता हूँ, फ्रूट बेस, सबका सब, हम सब खाने वाले हैं यहाँ पे। तो गाइज देखिए आइए मेरे साथ, आप हम तो खाएंगे आप भी यहाँ पर आके खाइए, तो आइए मेरे साथ चलिए। तो अब ये क्या करने वाले हैं मैम? अभी हम लोग मैंगो के पील ऑफ करेंगे। अच्छा। और उसके बाद हम उसके स्लाइसेस कट करके आपको प्लेट में सर्व करेंगे। तो और मैंगो विद ये केसर पिस्ता है, मैंगो के अंदर से गुठली हम लोग निकालने के बाद उसके अंदर केसर पिस्ता के साथ हम ब्लास्टिंग के साथ इसको फ्रोजन करते हैं, और जो कुल्फ़ी है मतलब उसके साथ हमें मैंगो का फ्लेवर मिलता है। yes, ma'am. जैसे मैंने अभी देखा आपके पास और भी फ्रूट्स का है, तो इट डिपेंड्स कि जिसको जो फ्लेवर, जैसे अनार है ऑरेंज में कर आप उसमें स्टफिंग करके, और एप्पल में, ऐसे आप बनाते हैं अपनी ये स्टफ्ड कुल्फीज बनाते हैं ना? यस मैम, हम लोग मैंगो के अंदर, ऑरेंज के अंदर, अनार के अंदर, पार्टीज के ऑर्डर के लिए अलग अलग फ्रूट्स के अंदर भी हम लोग बना देते हैं। तो ये मतलब इसको ऐसे स्लाइसिस में कट करके फिर आप अपने कस्टमर को सर्व करते हैं? यस। भाई ये हमारी ना स्टफ मैंगो कुल्फी आ गई है और हम उसको ट्राई करने वाले हैं, तो दिखने में बहुत यम्मी यम्मी लग रही है। तो ये देखो इस मैंगो के बीच में ना इन्होंने कुल्फी की स्टफिंग करी हुई है, केसर पिस्ता जो कुल्फी का बेस है, तो मैं इसको ट्राई करती हूँ, आप भी खा लो। बहुत ही यम्मी यम्मी है, मैंगो के साथ
जो ये कुल्फ़ी का फ्लेवर आ रहा है ना, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है फ्रेश मैंगो के साथ, बहुत ही डिफरेंट है ये। ऐसी कुल्फ़ी हमें यूजुअली हर जगह पे नहीं मिलती और हमने यहाँ पे ट्राई करी है, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अच्छी है। आई मस्ट से आप लोग ना इसको ज़रूर ट्राई करिए। इसमें अलग अलग फ्लेवर्स हैं, इनके पास अलग अलग फ्रूट में स्टफिंग अवेलेबल है, तो जो आपको अच्छी लगती हो आप वो खा सकते हैं। मुझे मैंगो पसंद था तो मैंने अपने लिए मैंगो मंगवाई, बहुत ही अच्छी है। देखिए अब जो हम खाने जा रहे हैं ना, ये है जामुन वाली कुल्फ़ी। अब देख रहे होंगे ये इसके ऊपर इन्होंने मसाला डाला हुआ है, ये है कुल्फ़ी मसाला जो इनका खुद का बनाया हुआ है। तो पहले मैं ट्राई करती हूँ फिर मैं इसके बारे में बताती हूँ। देखिए ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर इन्होंने मसाला डाला हुआ है अच्छे से, बहुत ही टैंगी है, चटपटी है। हमें तो ऑलवेज कुल्फ़ी मीठी खाई है ना, मसाले वाली तो खाई नहीं। बिल्कुल रियल फ्लेवर है इसमें जामुन का, बिल्कुल चटपटी है यार ये कुल्फ़ी तो, बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत ही डिफरेंट वर्जन है ये कुल्फ़ी का। वेरी वेरी टेस्टी, बिल्कुल ना आप खाओगे आपको लगेगा आपकी जामुन को फ्रीज करके खा रहे हो, क्योंकि मसाला डाला हुआ है ना वो तो इसको और ही बिल्कुल अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो गाइज़ देखिए यहाँ पे हर चीज़ इतनी रियल चीज़ों से बनी हुई है, जैसे कि ये मैंने अपनी फ़र्स्ट वाली आपने देखी थी, ये बिल्कुल रियल मैंगो के अंदर कुल्फ़ी को स्टफ़ करके बनाई है इन्होंने, अलग 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 फ्रूट्स में है इनके पास अवेलेबल। ये मैंने बहुत ही डिफरेंट एक वैरायटी मंगवाई है जामुन वाली कुल्फ़ी, और भी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर चीज़ें ट्राई करिए। जो इनकी शॉप है वो सुबह 11 बजे से रात को 11:30 बजे तक ऑलमोस्ट ओपन रहती है, 11:30 बजे तक, तो आप यहाँ पर लेट थोड़ा भी आ सकते हैं। तो भाई हम तो आपको यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं कि आप इतनी दूर जाएं चांदनी चौक, तो यहाँ के प्रशांत विहार के आउटलेट पे आइए और यहाँ की अच्छी अच्छी आइस कुल्फ़ीज़ को, स्टफ़ कुल्फ़ीज़ को, यहाँ पे फलूदास कुल्फ़ी भी अवेलेबल है, हर तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मस्त, मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पर आइए और यहाँ की चीज़ों को ज़रूर ट्राई करिए। जब मैंने तो यहाँ पे इनकी कुल्फ़ीज़ ट्राई करी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और अब मैं ये देखो पैकिंग करवा रही हूँ कि मैं अपने घर वालों को भी इतनी अच्छी अच्छी टेस्टी कुल्फ़ीज़ ट्राई करवाऊँ। और ये देखिए इनकी पैकिंग कितनी क्यूट है, ये थर्माकोल की बॉक्स में कर रहे हैं कि जिससे ये मेल्ट ना हो और आप ईज़िली इसको कैरी करके लेके जा सके। इसके ऊपर इन्होंने ड्राई आइस रख दी है जो इसका टेम्परेचर कंट्रोल करेगी, और यहाँ पे एज ए गिफ्ट पैकिंग के लिए आप किसी के घर भी जा रहे हो ना तो भी इतने अच्छे से पैकिंग करके देंगे कि एज ए गिफ्ट पर्पज़ के भी उस पर आप लेके इसको जा सकते हो। और इनकी पैकिंग पूरे दिल्ली NCR, नॉट इवन इंडिया से भी, ऑलमोस्ट इंडिया में हर जगह पे अवेलेबल है। तो गाइज देखिए अब मैंने तो जो ऑर्डर दिया था ना पैकिंग के लिए वो तो पैक हो गया, और मैं अब घर जा रही हूँ उसको लेके और अपने घर वालों को खिलाऊंगी। तो भाई मैं तो आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगी आप यहाँ पर आओ और यहाँ पे ज़रूर इनकी कुल्फ़ीज़, इनकी स्टफ़ कुल्फ़ीज़ और फलूदा ट्राई करो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर आके, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पर और लेके जाऊँगी, तो मुझे देखते रहिए मेरे YouTube चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तभी तो इतनी अच्छी चीज़ें खा पाओगे। चलो थैंक यू, बाय बाय।